रिस्पेक्टेबल में एक बार फिर आपका खुशामदीद है। मैं आपके साथ मौजूद हूँ माम निजामी और हमारे साथ दो मोस्ट रिस्पेक्टेबल गेस्ट मौजूद हैं। अच्छा माम, आपने कहा था ब्रेक में कुछ आप समझा रही थी इनको, ब्रेक ले रहे थे, क्या समझाया आप दोनों ने एक दूसरे को? वो बताने वाली बात नहीं वो। क्या तुम ब्रेक में इस तरह की बात? अच्छा वो जो गेस्ट बैठे उनका ख्याल कर लिया करो यार, बहुत मेहनत करती है मैडम। आप देखिए इसकी शक्ल, देखिए श्रीलंका में इस तरह के खीरे होते हैं। मैडम से पूछे ना, मैडम और सर यार तुम क्या बिलो। अच्छा मैम मुझे ये बताएं कि अगर आप पॉलिटिक्स में ना होती तो आप, वैसे तो आप लॉयर भी थी आप, लेकिन उसके अलावा कुछ सोचा कभी? मां मैं शुरू से ही मेरा ये था, जब से माँ बाप के घर में पढ़ते थे और तो मेरा था कि हर एक्टिविटी में हिस्सा लेना सब। मैंने स्पोर्ट्स भी खेला है, सिंध गेम्स खेले हैं, स्क्वैश खेला है, टेबल टेनिस, रेस में चलिए भागी आप, वही कह रही हूँ शॉर्ट पुट। कितनी दफा भागी आप? क्या कर बहुत ज़्यादा भागी, घर से नहीं भागी वैसे भागी। बहरहाल बहुत गेम्स वगैरह और ये डिबेट्स वगैरह करती थी, इसमें बड़ा शौक था। इसके बाद फिर ये खैरपुर की इतना गांव नहीं है यार, माशाल्लाह से इतना डेवलप हो गया। नहीं मतलब ऐसा सोचते हैं कराची में लोग के शायद ये बहुत ऐसे एरियाज हैं, खैरपुर सीएम साहब का इलाका, आप सोच समझ के बात कीजिए। सीएम साहब का इलाका भाई थोड़ा सा मतलब डरना भी चाहिए वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ के हैं माशाल्लाह, वहाँ से आए हैं करना चाहिए। तो खैरपुर में आप किस जगह की रहने वाली हैं? खैरपुर में वही जहाँ सीएम साहब है वही हमारा मोहल्ला भी है, जीलानी मोहल्ला सीएम साहब के जीलानी मोहल्ले का नाम है, मोहल्ले का नाम है, दिल में इज्जत है। हाँ अच्छा कभी एक्टिंग का शौक हुआ या मीडिया में आने का शौक हुआ कोई? हाँ बहुत ड्रामे किए मैंने अपने घर में, नहीं कहीं और नहीं, करके बता दिया सारी बात, घर में नहीं कहीं और नहीं, ड्रामे किए कॉलेज लेकिन ये कि अगर आप मुझमें था कि मैं मल्टी किस्म का एक बनूं, मुझे हर चीज आनी चाहिए, मेरे अंदर था। जैसे मैं ये कहूँ कि माम अगर माम कैन डू दिस जॉब, व्हाई कैन आई नॉट, मतलब मैं भी कर सकती हूं, सोच के मैं हमेशा उस चीज में इंटर हो जाती थी। और ये बच्चे के आज मैं इसको समझा तो हां तुम सब कर सकती हो, क्योंकि मैं सब नहीं, मैंने बताया तुम सब कर सकती हो, इसको समझाया मैंने अक्सर रातों फोन करके। आपने वक्फे में भी बहुत समझाया, वक्फे में भी, लेकिन माम समझ गई नहीं? हां समझ गई। तो बहरहाल ये चीजें हैं कि अगर आपके अंदर है ना, और दूसरी बात बता दूं कि ये अल्लाह का शुक्र है उन फीमेल्स के साथ बहुत अच्छा होता है कि हमें फैमिली की सपोर्ट मिल जाए ना, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो हम तो मर्द हजरात पता नहीं क्या समझते हैं, हम अल्लाह मियां में बहुत ज्यादा क्वालिटीज देते हैं हमको अपनी फैमिली के अलावा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मॉम को इसमें हमेशा कहती हूँ, आई लव यू मॉम, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। कुछ मोहब्बत के बारे में बताएं ना, मोहब्बत हुई, पहली मोहब्बत कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, या तीसरी होने नहीं थी दूसरी वाली ने, सुन ले ऐसा कुछ बता ना, ये लोग सुनना चाहते हैं सर। वो तो शादी हो गई, खासतौर पे आपकी पहली मोहब्बत सुनना चाहते हैं। शादी के बाद हुई मोहब्बत, शादी के बाद हुई, उससे पहले टाइम नहीं था, वो जेलेले काट रहे थे आप। ओहो कोई इसमें कभी जेल में टेस्ट कोई नहीं, कभी नहीं, कभी किसी को आपकी लव मैरिज थी? नहीं। तो शादी करने के बाद, मैंने कहा शादी के बाद मोहब्बत, शादी के बाद ही होनी चाहिए, वापस गर्मी तो जाने। अच्छा मैडम आपको कभी हुई हो या किसी ने आपको पैगाम भेजा हो? बड़े आपको तो प्रपोज किए होंगे लोगों ने, वैसे पर्सनल आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको प्रपोज लोगों ने बहुत किया होगा। हां क्यों, खुशी भी होती है, खुशी भी होती है, ये तो इसको गुस्से होती है। हां गुस्से होती है, ये कोई टाइम है जो टाइम उस पे क्यों नहीं आई? गलत टाइम पे प्रपोज करते हैं, लेकिन ये टाइमिंग पे प्रपोज किया करो, टाइमिंग पे, टाइमिंग अच्छी होती है, टाइमिंग जब मूड अच्छा हो जाए तो फिर प्रपोज कर दें। मूड क्या अच्छा होगा, इसने 60 एपिसोड में मुझे हर रोज प्रपोज किया, हर एपिसोड में प्रपोज किया, मेरा मूड तो कभी भी अच्छा नहीं था। अच्छा तो मैडम कुछ बताइए मोहब्बत के बारे में, मोहब्बत क्या उस जमाने की मोहब्बत, आपकी मोहब्बत क्या हो गया है, व्हाट इज द डिफरेंस? अब पहले के जमाने की मोहब्बत में तो बहुत ज्यादा हदें थी, लिमिटेशंस थी, और उसमें इतना मजा आता था, कितने कितने अरसे के बाद बात होती थी। वहाँ तो वैसे ही खैरपुर में तो खजूरों के बाग बीच में आ जाते थे। हाँ नहीं मैं खैरपुर तो मेरा ससुराल है, मैं सखर से बिलोंग करती हूँ असल में। तो बहरहाल ये मोहब्बत मेरे ख्याल में
हर इंसान को जो दुनिया में आया है वो फीमेल हो या मेल हो या ईमेल या कोई भी हो, ईमेल हो ईमेल या नेटवर्क हो, उसको मोहब्बत करनी चाहिए। उससे मोहब्बत भी नेटवर्क अच्छी चीज है, मोहब्बत बुराई नहीं है, करनी चाहिए मोहब्बत से आप बहुत कुछ। लेकिन पकड़ा ही ना हो मोहब्बत होता ना, पकड़ लेता आदमी घर वाले पकड़ लेते हैं। यार मोहब्बत की बात कर रही है वो, तो वो भी तो मोहब्बत। ये कौन किससे मांग के लाया तू? ये काजिम ने लाके दिया मैं, और वो लाके देता हर दफा, और हर दफा यही कोर्ट लाके देता। अच्छा मैडम ये बताइए ना, कुछ ऐसी बात करें ना, कुछ कौन सी बताऊं जो आप मोहब्बत भी दूसरे मानों में ले जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, दूसरे मानों में ले जा रहे हैं। कितनी माशाल्लाह साहब, कितनी इंटेलिजेंट है मोहब्बत, जिसमें इतना डिस्टेंस। अच्छा मैं तो बागों वगैरह में घूमती थी, बागों में घूमती थी, बागों में घूमे शूमे, गाने वाली कहां गाने वाली में होगी बागों में। हां वैसे तो घूमे मेरे अपने लॉन में, हमारे घर के लॉन में जामुन था। आप सही कह रहे हैं, जामुन खाते नहीं पके, क्योंकि ये तो क्या बात की आप, जामुन वहाँ पर बड़ी अच्छी बचपन याद दिला दिया, बचपन याद दिला दिया। वो फल अपने लॉन में से तोड़ के खाना, और वो मजे। ये मैडम ये वहाँ बहुत राइस, जैसे बंदे गांव में पंचायत में बैठे होते हैं, बिना वजह खड़े होके कह देते हैं चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं। वहाँ पर कभी ऐसी पंचायत लगी नहीं, पंचायत आप तुम्हारे जाने के बाद लगी है यार। कोई गाना सुना दो इस बात। अरे मैडम गाना हो जाए। हाँ मैडम आप गाते हैं, मुझे पता है आपके गले ने बता दिया, मुझे गड़गड़ाहट ने बता दी कि आप गाते हैं। मतलब गाने का शौक है, कोई गाने में 10-12 गाने हो जाए कोई। एक बड़ी अच्छी सी क्वालिटी है आपके अंदर, वो गाना नहीं लगे एक तमन्ना जीवन की मैं प्यार तेरा। अच्छा मैडम क्या तुम लोग तारीफ कर रही हो? तो ये तो हमारा काम है, तुम इनकी करो ना सर। नहीं अरे वो इंतजार कर रहे हो, उन्होंने यूं कर भी दिया इशारा। इतनी अच्छी सी चीज है आप में, वही बात जो आपने बोली कि मुझे हर चीज नई चीजें ट्राई करने का शौक है, एडवेंचरस है बहुत ज्यादा, हर चीज आनी चाहिए। तो सिंगिंग में भी अभी बात जब आई है तो आपने कहा हाँ व्हाई नॉट मैडम, दो तीन गाने हो गए, दो तीन ए साइड के तीन और बी साइड के चार। पहले मैडम मैं बहुत बेताब हूं, ये अपना ढोलक क्या कर किस चुकी है इसलिए वो सुना। यहां भी किस गई है मैडम? अच्छा चलो चुप करो, सुनाओ मुझे इस वक्त कोई भी सुनाओ अभी इस माहौल में। बेरा वो आपदा परवीन का जी, अरे अरे क्या बात क्या बात क्या बात, आपदा परवीन जितना याद आ रहा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो उसके साथ बोलते रहते लेकिन इस वक्त। अरे लोगों तुम्हारा क्या, अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। अरे लोगों अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा खुदा जाने। मैं आपदा परवीन की बहुत माफी। अरे सर आप क्या दुनिया में उनके फैन हैं, बहुत बड़ी अल्लाह उनको जिंदगी दे सेहत दे मालिक। सर आप बड़ी देर से क्यों खामोश बैठे हैं? मैं गाना नहीं गा सकता, पहले बता सकता हूं, पहले से नहीं गाना गाने, मुझे 1% भी गाना गाने नहीं आता। सर गाने सुनते तो होंगे, कौन से गाने सुनते हैं? सुनते हो तो कहां सुनने जाते हैं सर? यार क्या बताने, मतलब एक कोई फंक्शंस महफिल है जो करते हैं आप, मतलब आप लोग इतने बिजी हो जाते हैं, गाने जो है ना अपनी गाड़ी के अंदर सुन लेता हूं, वही टाइम होता है मेरे पास गाड़ी में बैठे बैठे, कभी लगा लिया। सर आपकी गाड़ी के ब्लैक शीशे? नहीं ऐसा लोग आपसे शायर है कुछ कोई? अच्छा लास्ट टाइम आप दोनों आप भी कभी सिनेमा देखने कब गए थे? बहुत अच्छा, अलग अलग गए होंगे आप दोनों सिनेमा देखने? ये पता नहीं क्यों मेरा हर केस वो मतलब भाई माम ये अलग विंडो है, ये अलग विंडो है, चैनल एक ही समझती हूं मैं, इसी अलग अलग। और आप उसके बाद
हमने नहीं पूछा कि आप दोनों सिनेमा देखने कब गए थे। बिल्कुल गए थे, और पहले तो बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था सिनेमाज का, क्योंकि हमारी बहुत फिल्में अच्छी बनती थी, और जब अच्छी फिल्में और बहुत अच्छी साफ सुथरी फिल्में बनती साफ सुथरी तो फैमिली के साथ देखने में मजा भी आता था, और फैमिली वाले ले भी जाते थे दूसरे की फैमिली के साथ। दूसरे की फैमिली के साथ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, अगर बैठी भी हो तो उसकी आंख पे हाथ रख दे। नहीं, बच्चे रखते थे आपके पापा, ये नहीं देखेंगे घर पे देखना। पिक्चर हाउस तो जाना नहीं होता, घर पे ही देख लेते हैं। वैसे मेरे ख्याल में लास्ट टाइम मैं पिक्चर हाउस गया हूँ 15-16 साल पहले। 15-16 साल पहले सर अकेले गए थे 15-16 साल पहले, या क्या वाकई हुआ था जो उसके बाद जा नहीं पाया? आज के बाद वो भी बता दूं, मैं वो यहाँ नहीं गया था, यहाँ नहीं गया था, इंग्लैंड में गया था। इंग्लैंड में गए थे, इतना दूर देखने गए फिल्म इंग्लैंड से छोटे जो मिनी पिक्चर हाउसेस बन गए, जिसमें कई दफा बनाते हैं प्रोग्राम, सोचते हैं कि फैमिली के साथ जाएं, लेकिन मसरूफियत की वजह से नहीं जा पाते। नहीं पाते। तो सर घूमने फिरने का वैसे कितना शौक है आप इंग्लैंड के अलावा? इसका जवाब लेंगे सर से, लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो गया है, तो हमारे साथ ही रहिएगा, जल्दी से वापस आते हैं।